ये गरम गरम रेसिपी तैयार है तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसका टेस्ट करते हैं भाई लोग। रखेंगे तो इसमें थोड़ी सी रहते हैं तो मैं ड्राई रखूँगा, इसमें थोड़ी सी पका लें। राजवंती, राजवंती की किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पाक, बहुत ही आसान तरीके से देसी स्टाइल में, जो खाने में बहुत ही टेस्टी अच्छी लगती है खाने। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो देखकर। जब आप आलू पाक बना रहे हो तो ये जो आलू का छिलका देख रहे हैं ये उतारने नहीं है, ऐसे ही इसके टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं। आप चाहे तो जिस साइज़ में रखना चाहें, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, जैसा साइज़ में रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले आलू को काट लेते हैं। तो आप अपने अनुसार काट सकते हैं, ये देखिए इतनी स्लाइस में चीज़ का स्लाइस जो आती है मार्केट में उस तरह का स्लाइस है ये, छोटी छोटी। आप अपने अनुसार जितनी भी बड़ी हो उस तरह से काट सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह का छोटे छोटे स्लाइस काटा है क्योंकि खाने में आसान आती है और अच्छी भी लगती है दिखने में, चिप्स जैसा। तो सीधा सिंपल समझिए चिप्स जैसे काट लेनी है, देख सकिए बहुत पतली पतली है। तो इस तरह से कट कर लेना है और इसे धो लेते हैं। दूसरा पान धो लेते हैं इसी तरह। आप दूसरे पानी से धो लीजिए क्योंकि गंदी ज़्यादा इसमें से निकल रही है। आलू हमने धो ली है, इसका पानी ज़रा से भी नहीं है, इसका पानी हमने छान ली है। और चलते हूँ अब गैस की ओर, इसे फ्राई कर लेती हूँ घी में। सबसे पहले पैन गर्म होने पर घी डालेंगे इसमें। घी गर्म हो गई है, इसमें जीरा डाल देती हूँ के साथ में तेजपत्ता डाल देती हूँ। जीरा अच्छी तरह से चटक गई है, इसे मैं आलू जो काटी हूँ डाल देती हूँ। इससे अच्छी तरह से फ्राई करनी है जब तक ये कलर में चेंजिंग्स ना आ जाए। आप समझ जाएंगे कि जब ये कलर भूरा कलर का हो जाएगा तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो कलर्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का हो चुका है, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आलू का पाक बनाने के लिए मैं मीठा डाल देती हूँ। अब जितना ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा मीठा आप डाल सकते हैं। लगभग 200 ग्राम का मीठा डाल दिया और 5-6 आलू थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और फेंट लेंगे इसी में अच्छी तरह से। तो आलू को और ये मीठा जो है गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिल चुका है। तो इसे ग्रेवी करने के लिए और ड्राई करने के लिए हम थोड़ी सी ड्राई रखेंगे, तो इसमें थोड़ी सी पानी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से आलू को पका लेते हैं। तो आप अपने अनुसार अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी रख सकते हैं और ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई रख सकते हैं। तो मैं ड्राई रखूँगा, इसमें थोड़ी सी पका लेते हैं इसलिए पानी डाला हूँ इसमें। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और इसे पका लेते हैं। हाई फ्लेम पे कर लिया हम, इसी तरह से पक जाएंगे।
दो मिनट के लिए ढक देता हूँ। ये हल्की हल्की थोड़ी सी ड्राई होने वाली है, तो आप इस तरह भी उतार सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बनी है लाजवाब दिखने में आलू का पाग, जो कि काफ़ी सुंदर दिखने में लग रही है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और इसका टेस्टी का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये आलू का, कच्चे आलू का, 3-4 आलू का, 200 ग्राम मीठे में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। तो बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट इसका, आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से खा सकते हैं। तो ये नई रेसिपी है, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का रेसिपी, आप सर्च कर लेना आलू का पाग, तो आप बनाकर टेस्ट कर लेना, बहुत ही अच्छी है। ये गरम गरम रेसिपी तैयार है, तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसका टेस्ट करते हैं भाई लोग। ये रहा,